गाइज मैं हितेश, मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स एक्टिव में आपका फिर से स्वागत है। गाइज आज हम बात करेंगे नई मूवी जिसका नाम है गणपत वन। मूवी है टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की। पूरी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि गाइज ऐसे ही मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं, टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन के फैंस बहुत खुश होंगे, क्योंकि गाइस यह टाइगर श्रॉफ की जो मूवी है 2022 में रिलीज होने वाली है। मेकर्स फिल्म के टीजर को लेकर बहुत ही उत्सुक है। टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन से भरपूर ये गणपत फिल्म मेकर्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा भव्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वासु बगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत थ्रिलर गणपत में टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आएंगे। टीजर से जाहिर है कि इसमें हाई एक्शन सीने देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हें शूट करने के लिए इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स की मदद ली गई है। टाइगर जिसका 45 सेकंड का टीजर जो चिर परिचित अंदाज में नजर आ रहा है, वीडियो में एक्शन अपने एक्शन मूवी दिखाते हुए नजर आएंगे। नेटेजर और टीजर पर अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए गए हैं। कोई इसे बागी फौर बता रहा है तो कोई उसे टाइगर के एक्शन और डील डॉल पर फिदा है। टाइगर और कृति ने लंदन में गणपत के पहले शूटिंग को पूरा कर लिया है। फिल्म की टीम अपने एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रही। ऐसा दावा है कि यह ऐसी अनूठी थ्रिलर फिल्म है जो भारतीय सिनेमा में पहली कभी दिखाई नहीं गई होगी। टाइगर श्रॉफ गणपत पार्ट वन में बॉक्सर टाइगर श्रॉफ कृति सैनन 2014 के फिल्म की हीरोपंती सी जोड़ी है। यहाँ पे टाइगर श्रॉफ एक बॉक्सर के रूप में हमको देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ बॉलीवुड से कदम रखा था जब 2014 में हीरोपंती में यह जो कपल है यानी कि जोड़ी है पहली बार हमको पर्दे पर दिखी थी। वे अब अपनी दूसरी फिल्म में स्क्रीन पर जलवा दिखाने के लिए तैयार है। गणपत पार्ट वन में ऐसी औराम भी खास देखने को मिलेंगे। पिंक विला का रिपोर्ट ऐसा बताता है कि यहाँ पे शायद टाइगर श्रॉफ के जो पिताजी है वह अमिताभ बच्चन के रूप में हमको देखने को मिलने वाले हैं इस मूवी में। क्योंकि गाइज यह कहानी कैसी है, एक बॉक्सर की कहानी है जिसका पिता है जो कि एक बॉक्सर था और वह बॉक्सर कुछ न कुछ वजह से उनको कुछ न कुछ दिक्कत आई थी और उसके लड़के को वह अच्छा प्लेयर बनाना चाहता है। तो यहाँ पे टाइगर श्रॉफ को उनके लड़के के रूप में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज यही इस मूवी में स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यह जो उनके पिताजी का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला गाइज, जो कि इसके पिताजी के रूप में अमिताभ बच्चन दिखने वाले हैं या और कोई एक्टर यहाँ पे हमको दिखेगा। और एक बात महत्वपूर्ण है गाइज, यह जो मूवी है क्रिसमस 2022 को यह रिलीज होने वाली है, जिसकी अगर डेट की अगर बात करें तो गाइज यह 23 दिसंबर 2022 को यह थिएटरों में रिलीज होगी, यानी कि बड़े पर्दे पर हम यह मूवी देखने को मिलने वाली है। तो गाइज टाइगर श्रॉफ को अगर चाहते हैं आप, उसको फैन है, तो टाइगर श्रॉफ की यह बहुत बड़ी और अच्छी एक्शन थ्रिलर मूवी होगी। आप इसको मूवी को 23 दिसंबर को देख सकते हैं। गाइस यही गणपत मूवी है पार्ट वन है, उसका पार्ट टू भी हमको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग जो इसका बैनर है वही गणपत पार्ट वन डाला गया है, यानी कि इसका सीक्वल आएगा पार्ट टू। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के बॉलीवुड से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने मैं रखता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस एक थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।